हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां मिलती है बेंटेन कॉमिक्स और मार्वल और किसी भी सुपर हीरो से रिलेटेड जानकारी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेंटन वर्सेस जस्टिस लीग की। सो गाइस, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिन पे बेंटन वर्सेस जस्टिस लीग बताया गया है, लेकिन गाइज आज को आप यहां पे कुछ नया जानने को मिलेगा और कुछ न्यू बैटल्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए। सो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें जस्टिस लीग वर्सेस बेंटन के बैटल को बताया गया है, लेकिन गाइज मेरी इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। सो गाइज शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बैटमैन के बारे में। सो गाइस बैटमैन एक ह्यूमन है और उसका ओरिजिनल नेम है ब्रूस वेन। सो गाइस जो ब्रूस वेन है वो एक बिलियनेयर है, यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। सो गाइस जो बैटमैन है उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस काफी खतरनाक है। सो गाइस यहां पे वो अपने इंटेलिजेंस और ब्रेन के थ्रू काफी कुछ कर सकता है। उसने अपना ही बैटमैन सूट बनाया है और अपने ही उसके पास एक सीक्रेट लैब भी है गाइस। सो गाइस वो अपने बैटमैन सूट के थ्रू फाइट भी करता है, और उसका ये जो सूट है गाइस वो काफी ही ड्यूरेबल है और काफी स्ट्रांग है, और इससे लड़ाई कर पाना भी काफी मुश्किल है। और गाइस ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन इतना इंटेलिजेंट है, अगर उसे प्रिपरेशन का टाइम मिले और कुछ गैजेट्स बनाने का वक्त मिले तो वो सुपरमैन तक को हरा सकता है। सो गाइस यहां पे बैटमैन को कमजोर समझना भूल हो सकती है और इसे ज्यादा स्ट्रांग समझना भी। सो गाइस जो बैटमैन है उसे हराना इतना भी आसान नहीं और उसे जीत पाना इतना भी मुश्किल नहीं। सो गाइस अगर बेंटन को इसे हराना है तो बेंटन के पास कुछ एलियंस है जिनका वो यूज करता है, जैसे कि वो डायमंड हेड का यूज करता है, फोरआर्म्स का यूज करता है, गूप का यूज करता है, एंड गाइस यहां पे वो ब्रेनस्टॉर्म का भी यूज करता है, क्योंकि जो ब्रेनस्टॉर्म है गाइस वो उसकी जो अटैक से उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है, उसे हरा सकता है। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं फ्लैश के बारे में। सो गाइस यहां पे जो बैरी जो फ्लैश है उसका ओरिजिनल नेम है बैरी, और उसे अपनी ये पावर एक बिजली के झटके के दौरान मिली थी। सो गाइस यहां पे जो फ्लैश है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और उतनी ही इसकी रन है। सो गाइस वो यहां पर लाइट की स्पीड से रन करता है, इसलिए वो टाइम ट्रैवलिंग करता है, और तो और गाइस वो इतना तेज दौड़ सकता है कि उसे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। यहां पे गाइस जो फ्लैश है उसकी जो पावर है वो है उसकी स्पीड, और वो अपनी स्पीड को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। सो गाइस यहां पे बेंटन के पास ऐसे बहुत से एलियंस जो उसे हरा सकते हैं, लेकिन गाइस यहां पे एक्सेलरेट अगर हम लेंगे तो एक्सेलरेट फ्लैश को नहीं हरा सकता, ना ही टक्कर दे सकता है। सो गाइस यहां पे जो जेटरे है तो जेटरे उसे हरा सकता है स्पीड में, क्योंकि जेटरे भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और गाइस लेकिन मैं यहां पे जेटरे को यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पे यूज करूंगा गाइस क्लॉकवर्क का। सो गाइस यहां पे जो फ्लैश है वो टाइम ट्रैवलिंग तक कर सकता है, जेटरे के लिए भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब जो क्लॉकवर्क है वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके लिए फ्लैश को हराना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्वामैन के बारे में। सो गाइस जो एक्वामैन है वो काफी स्ट्रांग है और वो पूरी मरीन लाइफ को कंट्रोल करता है, और तो और गाइस वो मरीन लाइफ के किसी भी जीव के साथ टेलीपैथी के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और वो किसी भी मरीन एनिमल से बात कर सकता है, और तो और गाइस वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, और वो पूरे वाटर को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि काफी शक्तिशाली है, और तो और गाइस वो पानी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और उसे पानी में हराना काफी मुश्किल होता है, लेकिन पानी के बाहर भी उसके पास इनहांस जंपिंग की पावर है, और तो और गाइस उसका इनहांस ड्यूरेबिलिटी इनहांस स्ट्रेंथ की पावर है, और तो उसका स्टैमिना भी काफी खतरनाक है। सो गाइस यहां पे एक्वामैन को हराना भी काफी मुश्किल हो सकता है बेंटन के लिए, लेकिन गाइस बेंटन के पास ऐसे दो तीन एलियन है जो एक्वामैन को हरा सकते हैं। बेंटन रिप्टोस का यूज करता है और बिगचिल का यूज करता है, और बिगचिल के पास काफी सारी यूनिक पावर है जो एक्वामैन पर भारी पड़ सकती है। बिगचिल इनविजिबल हो सकता है, किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, और तो और उसका आइस की पावर से जो उसे यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट करेगी। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और इसके साथ जानते हैं पॉइंट्स को। सो गाइस यहाँ पे बेंटन के 3 पॉइंट हैं और जैसे लिखे हैं 0। सो गाइस अब बात करते हैं साइबोक की। तो साइबोक किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है, और वो आधा रोबोट है और आधा इंसान। सो गाइस यहाँ पे जो साइबोक है उसे अपनी पावर काफी यूनिक वे में मिली थी। सो गाइस यहाँ पे वो अपने हाथों के शेप को चेंज करके उसे वेपन बना सकता है और शील्ड भी बना सकता है, साथ ही साथ गाइस वो फ्लाइट भी करता है, उसका इनहांस स्ट्रेंथ और इनहांस ड्यूरेबिलिटी है, और तो और अगर उसका कोई पार्ट अलग हो जाता है तो वापस उसके साथ जुड़ सकता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे अगर साइबोक को बेंटन को हराना है तो उसके पास दो एलियंस जो ऐसा कर सकते हैं, पहला है अपग्रेड और दूसरा है गूप। सो गाइस अगर आपने बेंटन का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें गूप ने एक रोबोटिक ह्यूमनॉइड को हराया था, तो गाइस यहाँ पर गूप ऐसा ही कर सकता है साइबोक के साथ, और दूसरा अपग्रेड जो कि साइबोक को कंट्रोल भी करता है, उसे तबाह भी कर सकता है। तो गाइस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वंडर वुमन के बारे में। तो गाइस जो वंडर वुमन है वो भी काफी शक्तिशाली है, उसके पास जो भी पावर से वो सारी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो काफी ड्यूरेबल भी है, और तो गाइस वो काफी हाई जंप भी कर सकती है, और उसके पास इनहांस स्पीड है और स्टेमिना है गाइस, और उसके पास एक पावर शील्ड है गाइस जो काफी शक्तिशाली है, किसी भी अटैक को रोक सकता है, और वो अपने अटैक ज्यादातर शील्ड स्वॉर्ड के थ्रू करती है, और तो गाइस उसके हाथों में दो कड़े हैं जिन्हें आपस में
टकराने से काफी खतरनाक फोर्स फील्ड क्रिएट होती है। सो गाइस यहां पे अगर बेंटेन को वंडर वुमन को हराना है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि वंडर वुमन के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो गाइस यहां पे वो केकिन हॉक को यूज करता है जो कि एक फाइटिंग टाइप एलियन है, और साथ ही साथ वो एक्सल रेड को भी यूज करता है जिसकी स्पीड वंडर वुमन को कंफ्यूज कर सकती है। सो गाइस अब मैं जिसकी बात करने वाला हूं उसको कौन नहीं जानता, तो सो गाइस मैं बात करने वाला हूं सुपरमैन की। सो गाइस सुपरमैन के पास लगभग एलियन एक्स जैसी पावर्स है जब वो अपने कॉस्मिक फॉर्म में होता है, लेकिन गाइस अब तक हमें डीसी यूनिवर्स में कॉस्मिक फॉर्म वाला सुपरमैन नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे जो सुपरमैन दिखाया गया है उसके पास इनहांस स्ट्रेंथ, इनहांस ड्यूरेबिलिटी, इनहांस स्पीड और तो और काफी ज्यादा फ्लाइट की पावर है। वो गाइस फ्लैश से भी तेज दौड़ सकता है ऐसा हमें बताया गया है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो सुपरमैन है उसे हराना काफी मुश्किल होगा बेंटेन के लिए। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे कॉस्मिक फॉर्म का सुपरमैन हो तो उसे एलियन एक्स हरा सकता है, और अगर यहाँ पे सुपरमैन नॉर्मल फॉर्म का है तो उसे हराने के लिए बेंटेन एटॉमिक का यूज कर सकता है, और इस लेवल में भी सुपरमैन को हराना बेंटेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो गाइस जस्टिस लीग के साथ अगर बेंटेन का मुकाबला होता है तो इस फाइट को बेंटेन काफी इजीली जीत जाएगा। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, तो इस वीडियो में गाइस जस्टिस लीग के साथ अगर बेंटेन का मुकाबला होता है तो इस बैटल को बेंटेन इजीली जीत जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो गाइस आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।